हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? रवि वर्मा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे पाइप और टंकी का एक्सरसाइज पार्ट टू। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए रवि वर्मा मैथ्स, दबाइए बेल आइकन घंटे को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। आइए शुरू करते हैं आज वीडियो का पहला सवाल। सवाल है, एक नल किसी टैंक को एक घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली कर सकता है एक घंटे में, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एक घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक नल दूसरा भी है जो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये मिनट में आया है, इसको भी मैं मिनट में बना लेता हूँ, तो एक घंटे में 60 मिनट और यहाँ पर 30 मिनट। आगे दिया हुआ है, यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। सीधा आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 60। इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2, और दोनों एक साथ खाली करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 और 3, 3 से यहाँ भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 6। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मिनट। ये आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर, आज की वीडियो का सवाल नंबर 2, और ये आपकी सीट का जो है सवाल नंबर 5। कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक दूसरा पाइप है जो इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, ये 4 घंटा और ये 5 घंटा। यदि पूर्णतया भरी हुई टंकी को दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। देखिए ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 × 20, इससे भाग करेंगे तो 4 आएगा, इससे भाग करेंगे तो 5 आएगा। देखिए ये भरेगा 4 और ये खाली करेगा 5, इसका मतलब 4 भरा जाएगा और 5 खाली किया जाएगा, इसका मतलब 1 हमेशा खाली होता रहेगा। तो 1 की क्षमता से 20 काम को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मिनट। तो ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। आज की वीडियो का तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आज की वीडियो का कह रहा है, एक पंप किसी टंकी को पानी को 2 घंटे में भर सकता है। 2 घंटे में भर सकता है, एक पाइप इसे 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 7/3 घंटे लगते हैं। देखिए पानी को चूने के कारण इसे भरने में 7/3 घंटे लगते हैं, इसका मतलब ये भरने वाला भी चल रहा है और खाली करने वाला भी चल रहा है, तो उसे लगता है 7/3। तो भरी हुई टंकी को पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। देखिए अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इससे भाग करेंगे तो देख लीजिए 14 को जब हम 7/3 से भाग करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ गुणे में 3 हो जाएगा, 7 × 7 = 14, तो 3 × 6। देखिए ये भरने वाला है, इसकी एफिशिएंसी 7 है, इसकी एफिशिएंसी 6 है, तो ये 7 भरता है और 6 खाली हो जाता है, इसका मतलब ये कितना खाली कर पाता है, ये खाली कर पाता है 1। आपसे पूछा गया है तो भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, तो इसका इसकी क्षमता 1 आई है, 1 की क्षमता से ये 14 काम को करेगा, तो इसकी क्षमता इसका समय कितना हो जाएगा, 14 आवर। तो ये हमारे वीडियो का तीसरा सवाल। देखिए अगला सवाल आज की वीडियो का चौथा सवाल, क्वेश्चन है, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 2 नल 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। ये 30 घंटे में खाली कर सकता है। कह रहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा आपको देखना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका टोटल कैपेसिटी लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 60 हो गया, 15 × 60, 20 × 3 = 60 और 30 × 2 = 60। आप लोग अच्छे से समझते जाइए, करते जाइए, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने वाले हैं हम, आपको
बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, हर टॉपिक का वीडियो मिलेगा। आप लगातार चैनल पे आते रहिए और अपने वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखिए। एक सवाल आपको समझ में नहीं आता तो उसे आप बार बार देखिए, आप वीडियो को पॉज करके देखिए, बैक करके देखिए, आराम से देखते रहिए। हमने इसका एलसीएम ले लिया, उनकी क्षमता आ गई। अब आप देखिए, ये दो भरने वाले हैं तो चार और तीन ये भरेंगे, सात, सात भरेंगे और ये दो खाली कर देगा तो कितना भरा जाएगा, पांच। अब इस पांच की क्षमता से काम कितना है, साठ, पांच से भाग कर दो, पांच एकम पांच, पांच दुना के दस, तो उसे कितना समय लगेगा, उसे लगेगा बारह। ये हो गया आज की वीडियो का पांचवा सवाल। सवाल कह रहा है कि किसी टैंक को ए और बी अलग अलग, ए तीन घंटे में और बी उसे तीन घंटा पैंतालीस मिनट, बी उसे तीन घंटा पैंतालीस मिनट, तो इस घंटे मिनट को मैं घंटे में बदल देता हूं, दिया हो जाएगा पंद्रह दिया पैंतालीस, पंद्रह जो कि साठ, चार दिए बारह और तीन पंद्रह, ये आ जाएगा आपका पंद्रह बटा चार। तो अब हम कह सकते हैं ये तीन घंटे में भर सकता है और ये पंद्रह बटे चार घंटे में भर सकता है। इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका पंद्रह, एलसीएम आ जाएगा इसका पंद्रह, इससे भाग करेंगे तो पांच आएगा, इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, चार। अब आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है और एक तीसरा पाइप है जिसे एक घंटे में खाली कर सकता है, एक तीसरे पाइप के बारे में बताया गया है सी, जो इसे एक घंटे में खाली कर सकता है, तो इसकी क्षमता कितनी आने वाली है, पंद्रह, ठीक है। अब देखिए ये भरेगा पांच, ये भरेगा चार, तो पांच चार नौ भरा जाएगा और ये पंद्रह खाली कर देगा, इसका मतलब पंद्रह खाली होगा और इसमें से हमारा नौ भरा जाएगा, तो कुल मिला के ये छह खाली होता रहेगा, खाली कितना करना है, पंद्रह। तो आप क्या करेंगे, यहाँ छह से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा छह दूनी बारह, दो घंटा पूरा पूरा हो गया और बचा कितना, बचा यहाँ पर आपका तीन बटा छह, तो इसको हम क्या करेंगे, साठ से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा दस, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, दो घंटा तीस मिनट, ये आपके सवाल का आंसर है। देखते हैं आज की वीडियो का अगला सवाल, ये आपका छह नंबर सवाल है आज की वीडियो का। कह रहा है किसी टैंक को दो पाइप ए ये तीन घंटे में भरता है और अगला वाला जो है वो उसे तीन घंटे पैंतालीस मिनट में भरता है, तो इसको हम बदल देते हैं मिनट में, घंटे में, तो ये हो जाएगा पंद्रह बटा साठ, पंद्रह चौके साठ, पंद्रह दिया पैंतालीस, चार दिए बारह और तीन पंद्रह, तो ये भरेगा तीन घंटे में और ये भरेगा पंद्रह बटे चार घंटे में। एक तीसरे नल के बारे में बताया गया है जो इसे एक घंटे में खाली कर सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक घंटा आएगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, पंद्रह, इससे भाग करेंगे तो तीनों पच्चीस पंद्रह, इससे भाग करेंगे तो ये आपका चार आएगा, आप समझ लीजिएगा, इससे भाग करेंगे तो ये पंद्रह आएगा, इफिशियंसी हो गई। अब कह रहा है जिस समय टैंक ठीक पानी से आधा भरा था, तो ये तो पंद्रह पूरा हो गया, इसी प्रीवियस ईयर में सवाल जो मैंने लगाया है, दूसरा पहले सवाल जो मैंने लगाया है उसमें मैंने पूरा काम करवाया, लेकिन इसमें कह रहा है टैंक आधा भरा था, मतलब पंद्रह बटा दो, तो अब ये पांच चार नौ भरेंगे, ये दोनों लोग मिलके पांच चार नौ भरेंगे और ये पंद्रह खाली करेगा, इसका मतलब छह छह खाली होता जाएगा और खाली कितना करना है, पंद्रह बटा दो, तो इस पंद्रह बटा दो को हम छह से यहाँ भाग कर देंगे, दिया जाएगा पंद्रह बटा बारह, एक घंटा, बारह एकम बारह, तो एक घंटा पूरा पूरा हो गया, बचा कितना, तीन बटा बारह, इसको हम गुणा कर देंगे साठ से, बारह एकम बारह, बारह पंचे साठ, तो यह आ जाएगा आपका राइट आंसर, एक घंटा पंद्रह पांच तिहाई पंद्रह मिनट, तो ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो का सात नंबर सवाल। कह रहा है ए बी सी मिलकर किसी टैंक को दस मिनट में भर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी दस मिनट में भर सकते हैं, मिलकर ये लोग दस मिनट भर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है अकेला ए इसे तीस मिनट में, अकेला ए इसे तीस मिनट में, अकेला बी चालीस मिनट में, अकेला बी चालीस मिनट में, अकेला सी इसे कितने समय में भरेगा, सी के बारे में आपको बताना है। तो आपको जब तक सी की क्षमता नहीं मिलेगी आप इसे नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तीनों का लासा ले लेते हैं और लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 120, इससे भाग करेंगे तो 12 आएगा, इससे भाग करेंगे तो 4 आएगा, इससे भाग करेंगे तो 3 आएगा। देखिए तीनों की क्षमता कितनी है, 12, एक कितनी है 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए के लिए 4, बी के लिए
तीन तो ये हो गया, 4 दिन 7, तो बी के लिए कितना बचा 5, सी के लिए कितना बचा 5, और सी की क्षमता हमको मिल गई 5, तो सी जो है अपनी क्षमता से इस काम को करेगा, तो 5 से काट देते हैं, 5 × 10 = 20, इसका मतलब जो सी है वो 24 मिनट में इसको भर देगा, तो ये इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं आज के वीडियो का 8वां सवाल। 8वां सवाल है, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, एक पाइप है जो इसे 12 घंटे में भर सकता है, तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। इसके बारे में बताया गया है खाली करने वाला और ये 18 घंटे में खाली कर देगा। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसका आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 36, 18 × 36 और 12 × 36। देखिए ये भरेगा 3, ये खाली करेगा 2, तो 3 भरेगा 2 खाली हो जाएगा, इसका मतलब 1 भरेगा, तो यहाँ 1 से आप भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 36, और यही आपका राइट आंसर है आज के वीडियो का सवाल नंबर 9। मैं वीडियो कुछ फास्ट बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा सकूँ आपको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो का 9वां सवाल देखिए, दो पाइप ए और बी, ये इसे 20 मिनट में और ये 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों भरने वाले हैं। आगे कहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 60, 20 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 20 × 60, दोनों मिल जाएंगे, एक साथ भर रहे हैं तो 3 × 2 = 5, 5 से यहाँ भाग कर दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, इसका मतलब ये दोनों पाइप एक साथ मिलेंगे तो 12 मिनट में भर जाएगा। आज के वीडियो का अगला सवाल देखते हैं, इसके बाद आपका सवाल कह रहा है, दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे भर सकते हैं, एक नल 3 घंटे में, अगला नल उसे जो है वो 4 घंटे भर सकता है। आगे कह रहा है तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है, एक निकास नल उसे 2 घंटे में क्या कर सकता है, ये सब घंटा दिया गया है आपको, खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। आप देखिए कैल्शियम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 4, 3 × 12 और ये हो जाएगा 3 × 12, तीनों एक साथ खोले गए हैं, 4 × 3 = 7 जुड़ जाएगा और ये 6 घट जाएगा, 4 × 3 = 7 ये आपका ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर देख लीजिए ये हो जाएगा 7 और इसमें से 6 ये वाला पाइप खाली करेगा तो बचेगा कितना 1, तो 1 की क्षमता से ये 12 काम किया जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12, तो इसको काम करने में 12 घंटे का समय लगेगा। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में ताकि वो उसको इसका भी फायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।